This month we are going to look into the post-resurrection appearance of Sri Lord Jesus Christ. इस महीने हम प्रवीष मसीह के पुनरुत्थान के बाद दिखाई देने पर विचार करेंगे. Last month we looked into the crucifixion and resurrection of Sri Lord Jesus Christ. पिछले महीने हमने प्रवीष मसीह के क्रूस पर मृत्यु और उसके बाद जी उठने पर विचार किया. एंड इट सीम्स दैट द डिसाइपल्स हु वर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर 3.5 years दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. और ऐसा लगता है कि जो शिष्य प्रवीष मसीह के साथ थे वे समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा था. They had been seeing the Lord Jesus Christ doing miracles after miracles. वे प्रवीष मसीह को चमत्कार के बाद चमत्कार करते हुए देखते आए थे. They had been seeing that he is the one who can command the storms and the storms become completely quiet. और वे देखते आए थे कि ये प्रवीष मसीह हैं जिन्होंने आंधी को आज्ञा दी और आंधी पूरी रीति से शांत हो गई. He is the same Jesus Christ who commanded Lazarus to come out of the tomb and he came out of the tomb. और यही ये वही प्रवीष मसीह हैं जिन्होंने लाजरस को आज्ञा दी थी कब्र में से निकल आने की और वह निकल आया था. So they never thought that this Lord Jesus Christ who has so much power, who is full of power, is going to go to the cross of Calvary and going to die there. तो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि प्रवीष मसीह जिनके पास इतनी सामर्थ है वे क्रूस पर इस तरह की मृत्यु में से होकर गुजर पाएंगे. They never realized that the Lord Jesus Christ has been trying to tell them time and again that he has to die on the cross. वे इस बात को नहीं समझ पाए थे कि प्रवीष मसीह बार बार उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रवीष मसीह का क्रूस पर मरना अवश्य है. If you look into John chapter 3, we see that Lord Jesus Christ is saying that as the serpent is lifted up, so the Son of Man will be lifted up. और वहाँ पर अगर हम यूहन्ना 3 में देखें तो वहाँ पर प्रवीष मसीह ने कहा जैसा कि सांप का ऊँचे पर उठाया गया था उसी तरह मनुष्य के पुत्र का ऊँचे पर उठाया जाना अवश्य है. And he was referring to his death on the cross. And today we are going to look into an incident where same thing was happening, that the disciples were not able to comprehend what has happened. आज हम एक घटना को देखेंगे जहाँ पर शिष्य इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पर हुआ क्या है. Two of the disciples were going to the road of Emmaus. दो शिष्य इमाउस के रोड पर जा रहे थे. And they were talking about the crucifixion and the resurrection of Lord Jesus Christ among themselves. वे आपस में प्रवीष मसीह के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने और सुबह जो घटना हुई थी प्रवीष मसीह के जी उठने की उस पर बातें करते हुए जा रहे थे. And all of a sudden Jesus joins their conversation. और अचानक प्रवीष मसीह भी उनके वार्तालाप में साथ में हो लेते हैं. And as they are walking, Jesus is walking with them. But Jesus has closed their eyes so that they cannot recognize Jesus. किंतु प्रवीष मसीह ने उनकी आंखों को बंद कर दिया था इसलिए प्रवीष मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे. And they were talking about the Lord Jesus Christ and Jesus Christ came into the conversation. वे प्रवीष मसीह के बारे में बात कर रहे थे और प्रवीष मसीह उस वार्तालाप में शामिल हो जाते हैं. And the Lord Jesus Christ asked them, "What are you talking about?" और प्रवीष मसीह से उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो. And they reply back that, "Are you the only stranger in this land that you do not know what happened?" और प्रवीष मसीह से पूछते हैं कि क्या तू अकेला परदेशी है इस देश में जो नहीं जानता कि यहाँ क्या हुआ. Such a big incident has happened. Such a big event has happened and are you not aware of it?
कितनी बड़ी घटना हो गई और क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ. एंड दे बिगिन टू एक्सप्लेन दैट दिस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु वाज फुल ऑफ पावर वी थॉट दैट ही इज गोइंग टू रिडीम इसराइल एंड अलास ऑल दिस थिंग्स हैज हैपेंड. और वे यीशु मसीह को बताने लगे कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसका हमने सोचा था कि वह इसराइल को छुटकारा देगा, ये वह क्रूस पर मारा गया और ये सब कुछ हो गया. व्हाट दे वर रेफरिंग टू दैट दे थॉट दैट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू ब्रिंग इसराइल आउट ऑफ द पॉलिटिकल ऑपरेशन. और वे इस बात को सोच रहे थे कि यीशु मसीह इसराइल को जो उनकी राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें से छुटकारा देंगे. बिकॉज दैट टाइम द रोमन गवर्नमेंट वॉज गवर्निंग देम, क्योंकि उस समय रोम का साम्राज्य वहां पर था. एंड प्रॉब्ली दे थॉट दैट जीसस इज गोइंग टू गिव देम फ्रीडम फ्रॉम द रोमन गवर्नमेंट. और वे शायद ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह ने रोमी साम्राज्य से स्वतंत्रता देंगे. इफ यू लुक बैक इन टू द हिस्ट्री ऑफ इसराइल वी कैन फाइंड दैट वाई द इसराइल वॉज अंडर ऑपरेशन. अगर हम इसराइल की के इतिहास को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसराइल वहां पर उस परिस्थिति में क्यों था. God has always said to the Israel that if you walk in my ways, I am going to protect you. But if you do not walk into my ways, I am going to bring other nations upon you and they will rule over you. और परमेश्वर ने इसराइल को हमेशा कहा था कि अगर तुम मेरे राहों पर चलोगे, अगर तुम पवित्रता के साथ जियोगे, तो मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, और अगर नहीं तो मैं दूसरे देशों को तुम्हारे ऊपर ले आऊंगा और वे तुम पर राज्य करेंगे. एंड दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग. इसराइल डिडंट वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड. इसराइल परमेश्वर के राह पर नहीं चला, वही आज हो रहा था. एंड दैट वाज द रीजन दैट इसराइल वाज इन अ पॉलिटिकल केओस. और वही कारण था कि इसराइल राजनीतिक सत्ताओं में से होकर जा रहा था. सो द प्रॉब्लम ऑफ इसराइल वाज सिन. So, इसराइल की जो समस्या थी वह पाप थी. द मेन प्रॉब्लम द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज सिन. जो मुख्य समस्या थी वह पाप थी. एंड दे कुड नॉट रियलाइज दैट दे हैड टू गेट रिड ऑफ देयर सिंस फर्स्ट. और वे इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें पाप से पहले छुटकारे की आवश्यकता है. सो दिस टू डिसिपल्स दे ऑल्सो थॉट that Jesus is going to give them redemption from the political oppression. ये दो शिष्य जो इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे, इन्होंने भी सोचा कि यीशु मसीह उन्हें राजनीतिक जो परिस्थितियों से छुटकारा देंगे. But they could not realize that they need deliverance from the sin first. किंतु वे इस बात को नहीं समझ पाए कि इसराइल को पाप से छुटकारे की पहली आवश्यकता है. That's why the Lord Jesus Christ said that I have come that I may seek the lost and bring them out of their situation. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ ताकि उन्हें उसमें से निकाल के बाहर ले आऊँ. So the Lord Jesus Christ's focus was to bring people out of their sins, and the disciples' focus was their surrounding situation. और यीशु मसीह का जो केंद्रीय यीशु मसीह का केंद्र बिंदु था वह लोगों को पापों से छुटकारा देना था, और जो उसके जो शिष्य थे उनका केंद्र बिंदु उनके आसपास की परिस्थितियाँ थीं. Many times we also do it. We want so many things from the hands of the Lord Jesus Christ and we do not realize that we are living in sin. बहुत सी बार हम भी ऐसा ही करते हैं. We want हमें बहुत सारी चीजें प्रभु मसीह के पास से चाहिए रहती हैं, किंतु हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते कि हम पाप में जी रहे हैं. So these disciples say all these things to Lord Jesus Christ that He died on the cross, and today some women went to the tomb and they came and said that he is no more theirs.